और इसको गर्म होने देंगे। जब तक ये गर्म हो रहा है, मैंने पनीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हैं। ये 300 ग्राम पनीर है और ये हम अंदर से चुपाके बना रहे हैं, क्योंकि हो गई हुई है कुछ। जब उसको अपना पनीर रेडी मिलेगा और वो खुश हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं। तो हमारा ये तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें डालूंगी एक एक करके ये पनीर। ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, हल्का अच्छा कर कितना पड़ जाए कितना हल्का जैसे कि ये वाले चीज़ को आप देख रहे हैं कि कलर है। पहले इसमें मैं डालूंगी 2 तेज पत्ते, थोड़ा सा जीरा और इसमें हम मटर डालेंगे और पनीर है तो इसलिए हमें इसमें 3 जरूर डालनी चाहिए। थोड़ा सा हल्दी हम डालेंगे, अदरक पेस्ट, गैस को हम तेज कर लेंगे। क्या हमारी दही डालते हैं पाउडर, ये हमारा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ये हमारा गरम मसाला, ये हमारा नमक जो है स्वाद अनुसार, क्या हमारी लाल मिर्ची पाउडर जो हमने धो ली है पहले से और मसाले में डाल देंगे तो ये अच्छे से गल जाएंगी मसाले के भूनते समय ही। अचार वाली जो होती है वो हरी मिर्च काट के डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी।
इसके लिए हम इसे ढक के लो फ्लेम पर पकाएंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसका ढक्कन हटा के देखेंगे।